नमस्कार, मैं देवांजलि मिश्रा। दुनिया रहस्य और रोमांच से भरी पड़ी और लोग उसको सुनते हैं और चौंक भी जाते हैं। किताबों में उन जगहों, रहस्यों, जानवरों, इंसानों और खतरनाक चीजों के बारे में बताया गया। उसी कड़ी में एक किताब आई है जिसने तहलका मचा दिया। जी हाँ, व्लादिमीर पुतिन पर किताब में आरोप लगा है कि उनकी एक गर्लफ्रेंड रॉ में काम करती थी। ये तो आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शुमार व्लादिमीर पुतिन रूस की खुफिया एजेंसी KGB में काम कर चुके हैं। 80 के दशक में भारतीय जासूस एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रूस की KGB से कई कदम आगे निकल गई। एक नई किताब रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस में इसका खुलासा हुआ। इस किताब के लेखक यतीश यादव, जिन्होंने रॉ के एक सीक्रेट मिशन को लेकर कई बड़े खुलासे किताब में किए। किताब में दावा किया गया है कि 80 के दशक में भारतीय जासूस एजेंसी रॉ ने रूस के दो लोगों को अपना सीक्रेट एजेंट बना लिया था। रॉ के इन दोनों सीक्रेट एजेंट्स का उस वक्त की मिखाइल गोबशोव कैबिनेट में विदेश मंत्री रहे एडवर्ड एम्ब्रोसिएविच शिवाडनाथ से और रूस के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर से गहरा कनेक्शन था। इस किताब में यतीश यादव ने रॉ के एक ऑफिसर अशोक खुराना कोडनेम के बारे में बताया, जिन्होंने लगभग एक दशक तक चले सीक्रेट ऑपरेशन के लिए सोवियत संघ के दो जासूसों को तैयार किया था। किताब में किसी भी व्यक्ति विशेष के असली नाम का खुलासा नहीं किया है, सभी को कोडनेम दिया गया। वो ये समझने के लिए काफी है कि इनमें से एक जासूस एडवर्ड का भाई था, जबकि रॉ के लिए काम करने वाली दूसरी जासूस व्लादिमीर पुतिन की गर्लफ्रेंड थी। किताब में बकायदा तफशील से इस बात को समझाया गया है कि कैसे ये खेल शुरू हुआ। किताब में लिखा गया है कि इसकी शुरुआत नवंबर 1988 में हुई थी, जब सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति मिखाइल गोबशोव भारत दौरे पर आए थे। इस दौरे को लेकर यतीश यादव लिखते हैं, रॉ के अशोक खुराना की मुलाकात अलेक्जेंड्रे नाम के एक शख्स से हुई थी। ये रशिया के एक बड़े नेता के भाई थे जो इस दौरे पर गोबशोव के साथ भारत आए थे। इस दौरे पर गोबशोव के साथ उनके विदेश मंत्री एडवर्ड साथ थे। यतीश यादव लिखते हैं कि कुछ महीनों बाद अशोक खुराना के संपर्क में अलेक्जेंड्रे के अलावा अनास्तेसिया कोरकिया भी आई। अनास्तेसिया उस वक्त अलेक्सी को डेट कर रही थी, जो कि खुफिया एजेंसी FSB फेडरल सिक्योरिटी सर्विस में शीर्ष पद पर था। किताब के मुताबिक अशोक खुराना अलेक्जेंड्रे और अनास्तेसिया दोनों के साथ लगातार संपर्क में थे। साल 1989 के आखिरी 6 महीनों में अलेक्जेंड्रे और अनास्तेसिया दोनों रॉ एजेंट के रूप में काम करने के लिए तैयार हो गए। जून 1990 में बर्लिन की दीवार गिरने से कुछ महीनों पहले खुराना ने अमेरिका और सोवियत के यूनाइटेड जर्मनी के लिए बनाए गए रोडमैप को तैयार कर लिया था। इसके बाद ऑपरेशन अजालिया की शुरुआत हुई। इस ऑपरेशन के दौरान रॉ को कई अहम और खुफिया जानकारियां मिली। अमेरिका सोवियत का जर्मनी रीयूनिफिकेशन का प्लान, न्यूक्लियर टेस्टिंग पर रूस की योजना, आतंकवाद के खिलाफ योजना और मॉस्को का चीन और पाकिस्तान की तरफ रुख जैसी कई खास जानकारियां इसमें शामिल थी। यादव ने अपनी किताब में अनास्तेसिया कोरकिया के जिस बॉयफ्रेंड का जिक्र किया, वो FSB में किसी बड़े पद पर था, जिसने 2000 में प्रमोट होने से पहले 1999 में रूस के मामलों का संचालन किया। ये समय सीमा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करियर से काफी मैच होती। पुतिन 1998 से 1999 में FSB के प्रमुख थे। साल 1999 में वे रूस के प्रधानमंत्री बने और 2000 में राष्ट्रपति का पदभार संभाला। रॉ का ऑपरेशन अजालिया साल 2001 में बंद हो गया। अशोक खुराना के लिए यह ऑपरेशन बड़े पैमाने पर विजय और विफलता दोनों में समाप्त हुआ। अपनी इस किताब में यादव ने ऑपरेशन खत्म होने के कुछ साल बाद खुराना से अलेक्जेंड्रे की 2004 में बर्लिन में हुई मुलाकात का भी जिक्र किया और उसी आधार पर कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन की गर्लफ्रेंड थी रॉ की एजेंट और उनके लिए वो काम करती थी।